गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 12, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, एंड द फार्मूला दैट यू विल यूज इज अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। एंड वन मोर थिंग, इफ थ्री साइड्स आर गिवन टू यू, देन हाउ यू विल फाइंड अ पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। इफ पेरीमीटर इज गिवन, यू विल डायरेक्टली मेक हाफ ऑफ इट, कीप इट डाउन। एंड इफ थ्री साइड्स आर गिवन, देन यू विल एड देम एंड यू विल मेक हाफ ऑफ इट टू गेट द वैल्यू ऑफ एस। सो एस हेयर इज semi perimeter. So you have to use this formula. Now the first question is, find the area of the triangle whose three sides are given. This is small a, small b, small c. So firstly you will find semi perimeter, that is half of a plus b plus c. You will make half of it, that will give you s, and s you will use here to get the area of the triangle. No need to solve the root. Root में से यू विल टेक वन टर्म आउट ऑफ ईच पेयर, दैट विल गिव यू आंसर इन रूट, मे बी इन रूट और इट कैन बी अ होल नंबर एज वेल। सॉल्व इट, व्हाट इज एस हियर, एस क्या आ रहा है इसका, 21, देन यूज 21 हियर, योर एस इज 21 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 and 21 minus 15. Now 21 same, this is your 8, this is 7, this is 6. Now 21 is 7, 3s are 21, 8 is 2 into 2 into 2, 7 you will write same, 6 written as 3, 2s are 6. Out of this 7 you will take 1, 3, 1, 7, out of this 3, 1, 3. Now, this is the square root. We have got the square root by having each digit out of the pair. 7, 3s are 21 into 4 is 84 centimeter square. The area of the triangle is 84 centimeter square. And one more thing, if height is given, then you can use the formula half into base into height. Otherwise, you have to use this formula. ठीक है, height given है, then you can take it as half it into base into height that you are already using in the junior classes. Base is given, hypotenuse is given. Yes, if hypotenuse is given, then what type of triangle it is? It is a right angle triangle. Hypotenuse is given, base is given, find the area of the right angle triangle. If it is a right angle triangle, can you use that formula half into base into height? But base is given, height is given, you can directly find the base is given 15, hypotenuse is given, but this height is not given. Hypotenuse given hai, but height given nahi hai. Then what you will do? You will use Pythagoras theorem to get the remaining side. And you can apply the formula half into base into height. Use it. Hurry up. Soumya, Adam, solve the second question. Get the value of hypotenuse perpendicular, then find the area of the triangle. मिडल में स्टार्ट, मिडल और इधर,
क्या होता है 400 का स्क्वायर रूट? वर्बली इतना इजी है, 4 × 100, 4 का क्या होता है 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया ना, फिर फैक्टर 2 × 2 है, और 100 का 10 × 10, एक 10 बाहर आ जाएगा, कितना हो गया? अरे बच्चे वर्बली फैक्टर्स नहीं करते ऐसे करके, 4 मतलब 2 × 2, एक 2 बाहर आ गया, ये 10 × 10, एक 10 बाहर आ गया, 400 का स्क्वायर रूट 20, ये तो सबसे इजी है। साइड आ गई, परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, एरिया फाइंड करो, साइड पे फाइंड करो एरिया, रब मत करो, साइड पे करो। ये बेस गिवन है, हाइट 20 है, विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, डोंट सिट फ्री। दिस डन रिधिमा, सेकंड क्वेश्चन डन, आंसर। आवाज ही नहीं है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड स्टार्ट करो, नो डिस्कशन। हाँ जी, साइड नहीं, दिस इज एस, सेमी पेरीमीटर। एस किसके केस में होता है? किसने कहा है एक नंबर में आएगा एरिया? क्यों नहीं, जब एस कह रहा है क्यों निकालना है एरिया? पेरीमीटर, ओह सॉरी, एस 16 है, 16 का हाफ 16, 32 का हाफ 16, आप कैसे निकाल रहे हो? ठीक है, इसमें ये बाकी सब का आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एस निकालना है, एस इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, 32 का हाफ क्या आएगा? दैट इज 16, तो इट्स एस इज 16, बस हो गया, एरिया कर सकते हैं फाइन, चलो करो एरिया फाइन। जी आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एरिया फाइन करो। Those who have done this third, they can start fourth. Be careful while doing the fourth question. Third area. वहीं तक दो। लीजा बच्चे, एस क्यों लिए? एस आप तीनों को सेम ले रहे हो, देखो तीनों को सेम कैसे ले सकते हो, डिफरेंट साइड है, एबीसी लिखो या कुछ भी मत लिखो तब भी चलेगा, लेकिन एस नहीं लिखना, दैट इज द सेम, तो अगर सेम होता तो फिर फाइंड क्यों कर रहे हैं?
16. Third side is 13. Done. Next question. Fourth. Have you drawn the triangle for the fourth question? Triangle draw karke roughly, then write the dimensions. एट इधर 16 को ना एट टू सा लिख दो तो दोनों एट में से एक बाहर आ जाएगा, इजी हो जाएगा ना आपके लिए. एट टू सा 16. हाँ एट वो वाला सेम, वो सेम. हाँ ऐसे. नो नो नो, एट को बाहर रखो. ये तो एट रूट बन गया, एट को बाहर रखो रूट. हाँ ऐसे. बाकी मल्टीप्लाई कर दो, लिखो मत मल्टीप्लाई कर दो. आंसर इज 8√30 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, क्लियर. ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? इजी है. क्या हुआ? The perimeter of the isosceles triangle is given. What is the property of isosceles triangle? The ratio of equal side. दो साइड इक्वल है, उनको x x ले लो. और ये कहता है जो इक्वल साइड है उसका बेस के साथ रेशियो 3:2 है. मतलब इक्वल साइड 3x है और बेस जो है वो 2x है. अगर एक 3x है तो दूसरी भी क्या होगी? क्यों क्यों isosceles. बस हो गया. मतलब आपके पास एक रिलेशन दे रखा है जिसमें आपको कह रहा है इक्वल साइड, दीज आर टू इक्वल साइड, द रेशियो ऑफ द इक्वल टू द बेस इज 3:2. सो दिस विल बी योर 3x, दिस इज योर 2x, एंड टू साइड्स आर इक्वल. इफ दिस इज 3x द अनदर साइड विल आल्सो बी 3x. क्लियर. नाउ द सम ऑफ थ्री साइड्स इज इक्वल टू 32, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट थ्री साइड्स. फिर आप एरिया निकाल लेना. करो, कंप्लीट करो. कर सकते हो? आओ नेक्स्ट फिफ्थ करेंगे. करोगे आप? क्लीन कर दो सारा उधर वाला. इधर से स्टार्ट करो बच्चे, फिर बिजी पूरा नहीं होएगा. इधर कर लो, इधर लास्ट. आवाज ना आ जाए बिल्कुल भी. As you know that you all have to give the exam in MCQ form, so no need to write much. ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और आंसर के लिए देख लेना. ऑप्शन जरा ध्यान से, ये नहीं कि सॉल्व करते ही फटाफट डायरेक्टली ऑप्शन देखिए टिक कर दिया. हो सकता है आपने गलत की हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए रॉन्ग भी दे रखी हो फिर. इसलिए एक एक ऑप्शन को ध्यान से चेक करके आंसर के लिए जब भी टिक करना है ध्यान देना है. बस एक डॉट ही तो है जो गलत लगनी है, सॉल्व किया हुआ सारा वेस्ट हो जाएगा. एक डॉट ही तो गलत लग जाएगी ना, तो सब कुछ गया. जो टाइम वेस्ट किया, 5 मिनट लगाए हैं सॉल्व करने में, वो गए. इसलिए ध्यान से करना है. जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं, और दूसरों पे डिपेंड नहीं होना. वो बाद में बताएंगे, अभी हो जाए फाइनल बता दूंगी.
साइड्स यू आर गेटिंग है, अच्छा इस पर रब कर दो, ऊपर से करो, ये रब कर दो, एबीसी की जरूरत नहीं है, आपने लिख कर ही लिया। 8 12 12 साइड, 8 12 12 फाइंड एरिया, सॉल्व कर ले उसके बाद, कर लो तब, करो 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 सॉल्व सॉल्व करो। नेक्स्ट टर्म ये देखो, ये कर लिया आपने, क्यों फाइंड कर रहे हो, एस फाइंड कर रहे हो, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर का हाफ, ये क्या कर रहे हो, क्या आएगा लिखो, नहीं नहीं करना, अपना सॉल्व चेक कर लिया करो, ये भी वर्बली किया करो, ये इतने स्टेप्स लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, वर्बली 16 16 माइनस 12 4 16 माइनस 12 4 16 माइनस 8 8 सीधा लिखा करो, 16 × 4 × 4 × 8 बस, ठीक है। अब इसके फैक्टर मत करने बैठ जाना, बहुत इजी है, 16 का स्क्वायर रूट 4 लिखो, 4 बाहर, 4 × 4 में से एक 4 बाहर, किसमें से, एक मिनट इस, हाँ दो बार 4 आएगा ना, लिखो 8 बच गया, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2, 2 × 2 × 2 होता है, 2 में से 2 बाहर आ गया, लर्न कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज 3√3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज 3√3, ये कितनी बार बताया ऐसे नहीं लिखते, क्या मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक है इसमें, 32 रूट वाल के अंदर लिखा है, दैट मींस 32th रूट बन गया ये तो, जबकि हमारा आंसर क्या है, 32 × √2, डन, क्लियर, एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी बिल्कुल फिक्स हो गए, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 ऑफ द साइड्स आर इक्वल एंड 1 ऑफ द इक्वल साइड इज 6, देन अनदर 1 विल आल्सो बी 6 एंड द बेस इज 4, स्टार्ट इट, मेक फिगर, बस 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 जल्दी जल्दी जल्दी, यस ध्यान से करना, अगर एग्जाम में आ जाए फाइंड एस तो एरिया मत फाइंड करने बैठ जाना, सेमी पेरीमीटर ही टिक करना होगा, आंसर हो सकता है एरिया का आंसर भी दिया हो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो एरिया मत फाइंड करना, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में था एस फाइंड करना था, एस मीन साइड नहीं है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, इफ इट इज अ स्क्वेयर देन एस कैन बी द साइड, ठीक है, तो इन केस ऑफ द ट्राइंगल एट रूट टू सेंटीमीटर स्क्वेयर,
Any doubt? Next question. Next question is find the area of the which triangle is this? Equilateral. Side is given. What is the area of equilateral triangle? Very good. Root 3 by 4 side square. No. Ab dekho idhar. The side is in root. If you try to find the semi perimeter, it will be difficult for you. So instead of finding the semi perimeter or using the Heron's formula, you should use area of equilateral triangle, that is root 3 by 4 side square. Learn this formula. And can you tell me the altitude of the equilateral triangle? What is the formula for finding the altitude of the equilateral triangle? Write down root 3 by 2 into side. Altitude of equilateral triangle. Altitude means perpendicular, height. That is root 3 by 2 side. Root 3 by 2 into side. And area is denominator. Root 3 by 2 into side. Side is in numerator. मैम हम ये कैसे फाइंड करेंगे कौन सा ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा है? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं. मैं बता देती हूँ अभी, एक मिनट ये सुन लो जरा, इसका भी आंसर ये बताना था मैंने वैसे भी. अगर आप सपोज करो, एक मिनट ये कंसेप्ट देखो, डिफरेंट है. एक मिनट, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी थ्री साइड है, एक 31 है, एक 35 है, एक 45 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, जो शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर ये बनेगा, दैट इज लॉन्गेस्ट. और जो लॉन्गेस्ट साइड पे ये बनेगा ऑल्टीट्यूड, दैट इज शॉर्टेस्ट. गॉट इट? तो अगर हो सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन भी है, मैंने कल ही देखा था, इस बुक में नहीं है, मैं दे दूंगी आपको वो वाला क्वेश्चन. वैसे ही बता देती हूँ, थ्री साइड गिवन थी, कहता है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालो. लॉन्गेस्ट मीन्स द परपेंडिकुलर दैट इज ऑन द शॉर्टेस्ट साइड. The perpendicular on the shortest side means ये निकालना है. What you will do? You will first find the area of the triangle by using Heron's formula. Area of triangle आ जाएगा. Suppose 600 आया इसका area. ठीक है? तो area of triangle is equal to half into base into height. Base कितने हैं? 31. Base कितने हैं? You will write 31 and you will solve this to get the value of height. ठीक है? 2 is dividing here, it will be multiplied. 31 is multiplying, it will divide here. That will give you the value of the height. Clear hai? Pehle aap area of triangle nikaloge using Heron's formula and that you will use further to find the height of the triangle. Ye aise hi karna hai. Agar shortest puche, to longest wali side pe jo ye banega, that is your shortest. Yeah. To base kisko lenge? 45. Theek hai? Clear hai? Maybe this question is given in NCERT exemplar also. Important hai question. Aata hai exam mein, aaya bhi hua tha kafi baar. Sab karo. Mujhe yaad karwana zara. Is book mein nahi hai, mere paas ek ghar pe book hai, maine kal dekha tha. Exemplar mein hi tha.
अब देखो इसने इसको सॉल्व किया, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√3 × 2√3, 2 2 2, ये कैंसिल हो गया, √3 √3√3, √3 × √3 = 3, 3√3। आंसर सेम है, पर ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। क्या मैंने साइड दो बार लिख दी ना, √3/4 × side × side, 2 2 क्या होता है 4, ये 4 और ये भी 4 कैंसिल, क्या बच गया, ये क्या होता है 3 √3, √3 × √3 क्या होता है 3, मींस कम यू कैन कंबाइन द रूट्स ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, दिस विल रिमेन इन रूट, आंसर इज 3√3। क्लियर, डू दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, द साइड्स आर इन रेशियो, फाइंड द साइड्स, पेरीमीटर इज गिवन, अभी ये क्वेश्चन किया था, बताओ किसने किया था, वो सेम टाइप का ऐसा क्वेश्चन अभी तो किया था, हाँ आशना ने जो सॉल्व किया, हाँ जी, इज इक्वल टू 900, 3x + 4x + 5x = 900, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द साइड्स, फाइंड द सेमी पेरीमीटर, जसलीन व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर विदाउट फाइंडिंग, सेमी पेरीमीटर, फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर का, हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, हाँ ना, तेरा मुंह लाल कर देना, आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 2 से करना है 450, सेमी पेरीमीटर इज 450, जिससे पूछा जाए वही आंसर दे, जब आपकी टर्न आएगी आपको चांस नहीं मिला बोर्ड पे आके करने का क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, आ रही है you have to find this shaded portion. The answer of this question is 54 and answer of that question is 33,750 cm², 33,750 and answer of this is 54 cm². Solve this, hurry up. Yes, what you will do, this is a right angle triangle.
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। सबट्रैक्ट स्मॉल ट्रायंगल फ्रॉम द बिगर ट्रायंगल, दैट विल गिव यू द शेडेड पोर्शन।